हे ज फ्री एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गोवित लॉ सो बहुत जल्द आप आई बी एटीन देंगे तो कई लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट मैगजीन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी है प्लीज बताइए तो देखिए ऐसे तो लॉ बहुत ही ज्यादा वाइड है बहुत ही ज्यादा वास्ट है तो कई सारे इंपॉर्टेंट मैगजीम्स है प्रिंसिपल्स है लीगल टर्म्स है अब सारा का सारा तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि सारा अगर मैं आपको बता भी दूंगी ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं तो इसीलिए आज की स्टीडियो में सबको बताऊंगी इंपॉर्टेंट मैगजीम्स जो ये भी सिक्सटीन या भी फिफ्टीन या भी सेवेंटीन में आ चुके हैं कई बार रिपीट हो रहे हैं तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गोविंद लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की करें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ए आई बी के ऊपर बहुत सारे टॉपिक में बना चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाएगा सब डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा आपको तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन को चेक करिए कई सारे वीडियोस में बना चुकी हूँ ऐसी कुछ गलतियां जो अक्सर ए कैंडिडेट करते हैं वो नहीं करना चाहिए आपको क्या क्या आपको करना चाहिए क्या लेकर जाना है आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ओ शीट कैसे भरना है तो ये सारे के ऊपर मैं वीडियोज़ बना चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और फेसबुक में मेरा पेज है गोविंद लॉ अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द उस पेज को फॉलो करें फॉलोअर्स बढ़ाएं तो देखिए इंपॉर्टेंट मैगजीम्स का कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है तो मैं आपको बताऊंगी आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं वरना स्क्रीन पे आपको ये दिख जाएगा इंपॉर्टेंट मैगजीम्स एंड डॉक्शन तो ये देखिए मैंने ऑल uh, टोटल सारे को मैंने कवर किया है ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट्स में से मैंने इसको लिया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो देखिए रेस सब्जुडिस एंड रेस जुडिकाटा ये सीपीसी का इंपॉर्टेंट टर्म है रेस सब्जुडिस रेस जुडिकाटा ठीक है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ रेसगेस्टाई एविडेंस एक्ट सेक्शन सिक्स डॉक्ट्रिन ऑफ रेसगेस्टाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इससे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं फिर आता है हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट पी ई एन डी ई एन टी ई एल आई टी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फिर आता है लीडिंग क्वेश्चंस

IB, item, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियरली फिर आता है प्ली बार्गेनिंग प्ली बार्गेनिंग भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आईपीसी में भी है तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना फिर आता है अब इनिशियो अब इनिशियो फिर आता है एक्सेनेबल पर फिर आता है एक्टस रियस एक्टस रियस फिर आता है बोना और मेलाफाइट ठीक है फिर आता है डेमनम सिने इंजुरिया लॉ ऑफ टॉर्ट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्जी है Damnum injury, फिर damn damn. ये दो बहुत ही ज्यादा हैं कई कई सारे बार इससे होते तो आप इसको प्लीज से पढ़ लेना फिर आता है डिफेक्टो डिज्यूरे डिफेक्टो डिज्यूरे फिर आता है स्टॉपल एविडेंस एक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टॉपल फिर आता है एक्स पार्टी फिर आता है कॉर्पस देखिए एक तरह का रिट है ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पांच प्रकार के रिट्स हैं तो ये पांचों को आपको ध्यान से देखना है प्लीज मत बहुत सारे फ्रेम होते हैं इससे फिर आता है मैनस रिया ठीक है फिर आता है रेस इप्सा लिक्विटर रेस इप्सा लिक्विटर फिर आता है सुमोटो सुमोटो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैग्जिम है प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िएगा फिर आता है वोलेंटाइन ऑन फिट इंजुरिया लॉफ टॉर्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्जीम है तो आप इसे प्लीज नेग्लिजेंसी मत करिएगा ध्यान से पढ़िएगा फिर आता है मेन प्रॉफिट या मैसने प्रॉफिट ये जो है यह सेक्शन टू और सब सेक्शन ट्वेल्व में आता है और ये आता है सीपीसी के अंदर मेन प्रॉफिट फिर आता है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन्सिट रिया मैं रिपीट करती हूं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सेठ रिया स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फिर आता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये तो ये आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में देखने को मिलेगा ऐसा तो देखिए गाइस बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत सारे मैगजीम मैंने आपको बताया लेकिन मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैंने खुद ए बी एग्जाम दिया है ठीक है ए आई बी सेवनटीन में तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फेस किया या लास्ट ईयर के क्वेश्चन में लास्ट टू लास्ट ईयर जो भी इंपॉर्टेंट मैंने देखे वो सब मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट मैगजीम्स के तौर पर और इंपॉर्टेंट केस लॉस के ऊपर देखिए मैं वीडियोस बना चुकी हूं तो आप प्लीज चेक करिए प्लेलिस्ट को चेक करिए कई सारे लोगों को नहीं मिलता है कि वीडियोस कहाँ हैं तो मुझे कमेंट करते हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट को ध्यान से चेक करिए एआईबी के ऊपर जितने सारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे आपको प्ले में मिल जाएंगे और तो एग्जामिशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है ये भी वीडियो बना चुकी हूँ मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार पेन लेके जाना है ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन ठीक है फिर आपको अपना आईडी लेके जाना है जो लाइसेंस आपको मिला था आईडी उसका भी आप ले सकते हैं लेकिन आप ओरिजिनल कैरी करेंगे तो अच्छा है या उसका आप कॉपी भी ले जा सकते हैं आईडी हो गया आपका और जो नॉर्मल सर्टिफिकेट है हालांकि वो नहीं पूछते हैं लेकिन बाई चांस वो पूछ भी सकते हैं तो नॉर्मल सर्टिफिकेट आप लेकर जाइए आई लेकर जाइए जो बैर एक्ट है नाइनटीन बैर एक्ट है टोटल तो सारे के सारे आपको लेकर जाने हैं और विदाउट बैर या विदाउट कमेंट्स वाले लेकर जाने हैं मैं बार बार रिपीट करती हूँ सवाल करते हैं कि बैर कौन सा लेकर जाना है तो बैर आपको लेकर जाना है विदाउट सॉर्ट नोट या विदाउट कमेंट्स वाले हाँ विद सॉ नोट वाले कई लोग मुझे बोलते हैं कि अलाउ है विथ सॉर्ट नोट्स वाले आप तभी लेकर जा सकते हैं अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके फ्रेंड्स के पास नहीं है आपने बहुत ही खोजा बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद आपको बैरेक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले नहीं मिल रहे हैं तब आप बैरेक्ट विद शॉर्ट नोट्स या विथ कमेंट्स वाले ले जा सकते हैं लेकिन उसके लिए जो इन्विजीटर है उससे आपको परमिशन लेना होगा जो मौजूद है वहां पर टीचर उस टीचर से आपको पूछना होगा उसको बताना होगा रीज़न कि मुझे बैरेक्ट विथ शॉर्ट नोट्स या विथ कमेंट्स वाले ही मिले हैं तो मैं इसीलिए यही लेकर आ गई या फिर आ गया तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी जानकारी या सभी को इजफुल लगी होगी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए दोस्तों के साथ और कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो होप यू गॉइज आर डूइंग गुड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर एवरी वन गुड नाइट